नमस्कार दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीएचडी एडमिशन के लिए 2021-22 IISER भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के द्वारा जो है पीएचडी एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है फेलोशिप भी जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में एक कुछ संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले जो है आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए जो है ये प्रवेश एडमिशन सूचना है, अक्टूबर 3, 2021 को जो है पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जनवरी 2022 से प्रारंभ होने वाले सेमेस्टर के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पे विषय की बात करें तो यहाँ पे जैविक विज्ञान इंग्लिश में जो है, यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इंग्लिश, फिलोसफी एंड फिजिक्स में जो है यहाँ पर पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अंतिम तिथि आवेदन की 1 नवंबर 2021 रहने वाली है। तो डिटेल्स में यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है IISER भोपाल की। सो यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश एंड फिलोसफी भी है यहाँ पे। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है हर एक। जैसे आप अगर मान के चलिए यहाँ पे जो है ह्यूमैनिटीज में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है क्लिक करके जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब नाउ जो है रिसर्च एरिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बायो जैसे यहाँ पे अगर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे लिटरेचर, फिलोसफी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है MSc, MA या MPhil डिग्री आपकी होनी चाहिए 60% अंकों के साथ, या 7.0 आपका CGPA होना चाहिए। ठीक है, ओनली मार्क्स परसेंटेज विल बी कंसीडर्ड। उसके साथ साथ जो है आपका स्टूडेंट हुज रिजल्ट फॉर नेट, नेट LS, UGC, GRF और एनी अदर इक्वलेंट फेलोशिप आर अवेटेड कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मास्टर डिग्री 60% अंकों के साथ आपका UGC नेट या नेट LS, UGC, GRF आपका होना चाहिए। ठीक है, और जिनका भी रिजल्ट आप वेटिंग है जिनका रिजल्ट, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 5% की छूट यहाँ पर SC ST और जो दिव्यांगजन है उनको यहाँ पर दी जाएगी। सो ये तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ के लिए बताया। ऐसे ही जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, ये आपके रिसर्च एरिया रहेंगे। यहाँ पे MTech, MSc आपकी होनी चाहिए 60% अंकों के साथ, 7.0 CGPA। मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल जो है वो डिजायरेबल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ओनली मार्क्स परसेंटेज विल बी कंसिडर। उसके साथ आपका नेट, गेट, UGC, GRF, CSIR, GRF, इंस्पायर, नेट LS, राजीव गांधी फेलोशिप और जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो सभी कम्युनिकेशन जो है ईमेल द्वारा किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बाया ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है इंटरव्यू के माध्यम से पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर फेलोशिप है, फेलोशिप के लिए जो है यहाँ पे जो है जर्नल के लिए 28 ईयर्स, एज रिलेक्शन 3 ईयर्स जो होगा वो नॉन क्रिमिनल लेयर जो है OBC को, और 5 वर्ष का SC ST दिव्यांगजन और फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, क्योंकि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे जो है जो रिजर्वेशन के नियम लागू होंगे वो केंद्र के लागू होंगे। फेलोशिप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर उनको JRF फेलोशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी एज पर द फंडिंग एजेंसी नॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऐसे ही इस प्रकार से जो है हर एक जितने भी आप डिपार्टमेंट दिए हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है फीस भी दी गई है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं। वन टाइम फीस ठीक है, एडमिशन फीस तो 27,500। उसके बाद सेमेस्टर फीस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारी है यहाँ पे आपको जो है फेलोशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन। सो चलिए अधिक जानकारी के लिए जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आपका, पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड देन आपको जो है
आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा पीएचडी के लिए। चलिए वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।